तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। देवाधिदेव महादेव के पूजा और प्रयागराज कुंभ के छठे और अंतिम स्नान पर आपको बता दें, स्नान पर्व पर संगम स्नान को जनसमुदाय का हुजूम यहां पे देखने को मिला। हर हर महादेव और बम बम भोले के नारों से पूरा संगम तट गूंज उठा। यमुना के विभिन्न घाटों पर डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंचे। भोलेनाथ के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और कर रहे हैं। बताया जाता है कि महाशिवरात्रि पर्व से ही कुंभ का महापर्व पूर्ण होता है, इसलिए हर मन में प्रयाग और हर दिल में संगम की पवित्रता का भाव लेकर श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। कई शंकराचार्य संत महात्मा और रेती पर रुके कल्पेवासी भी अंतिम स्नान पर्व पर डुबकी लगाकर और शिव अर्चना करके ही अपने घरों को प्रयाग लौटेंगे। आखिरी स्नान पर्व पर 60 से 70 लाख श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान लगाया गया है। वो शब्दों में बयां तो नहीं हो सकता जो महसूस हुआ है, जो आंखों ने देखा है, वो आत्मा ने तृप्त। कैसी व्यवस्था आपको लग रहा है? जबरदस्त। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये कि लोगों के लिए मानवता बनी रहे।